तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फूड फोटोग्राफी। जी हाँ, Vivo V9 से कैसे आप बहुत ही अच्छा फूड का पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं, वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। थोड़ा यहाँ पर आप फूड को देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर बने रहिए, बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रहा हूँ। तो फूड फोटोग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लाइटिंग। जहाँ से लाइटिंग डायरेक्ट सोर्स होता है, यूजुअली नेचुरल लाइट रहता है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आता है पिक्चर। क्योंकि आपको फूड फोटोग्राफी में इंपॉर्टेंट कैप्चर करना है फूड का एसेंस, जो फूड में टेक्सचर होता है उसको डिटेल में लाना चाहिए आप, ताकि वो बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरत बन के आपको पिक्चर्स में दिखे। तो ऐसे करने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट होगा लाइट। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट लाइट सोर्स नहीं, तो इसलिए स्टूडियो लाइट्स है, बट कोई बात नहीं। अगर आपके घर में या फिर कहीं भी रूम पर डायरेक्ट विंडो का लाइट सोर्स होता है, तो जस्ट उसके सामने आप टेबल रख के, फूड रख के भी कैप्चर कर सकते हैं। तो वैसे करते वक्त जस्ट आप थोड़ा लाइटिंग को या फिर थोड़ा आप जो भी फूड होता है वो जस्ट एंगल्स चेंज करके देखिए। उसके बाद आप मोबाइल को रोटेट करके देखिए कि कौन सा एंगल में कैसे डिटेल से आ रहा है पिक्चर। तो ये सारे अभी मैं दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। अभी हम उसके ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं लेंगे क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप प्रेजेंट करके बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो जस्ट जनरली इंपॉर्टेंट अभी जो है इसमें Vivo V9 में क्या सेटिंग्स यूज करना है और कैसे लाइट सोर्स से आप बहुत ही बढ़िया पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे अच्छी तरह से Vivo V9 से कैप्चर करें। तो ऐसे हमने अभी यहाँ पर फूड को प्लेस किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये तवा जो है इसका जो भी यहाँ पर टेक्सचर डिटेल में दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली आप जब आप कैप्चर करेंगे पिक्चर तो बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में दिखाई देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर यही डायरेक्ट यूज़ किया है। आप प्लेट पर भी रख सकते हैं, कुछ वाइट कलर का लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि लाइट बाउंस होता है तो उसके ऊपर ज़्यादा टेक्सचर दिखाई देगा। अभी के लिए हम यही यूज़ करेंगे। जस्ट ऐसे ही ये प्रेजेंटेशन के लिए रखा हूँ दो मिर्ची। तो अभी देखिए कि Vivo V9 आता है। Vivo V9 का इंटरफेस है, तो इसमें कैसे दिखाई दे रहा है आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट हम टेक फोटो मोड में जाएंगे। देखिए एंगल इज रियली इंपॉर्टेंट। अभी मान लीजिए कि मैंने ऐसे पकड़ के कैप्चर किया, आप बोल सकते हैं अरे अच्छा ही है यार, क्या है इसमें फूड का है। देखिए बिल्कुल बिगड़ा हुआ पिक्चर है, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं कहते हैं इसको। तो प्रोफेशनल लाने के लिए ऐसे एंगल्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अभी इसका डिफरेंस है और इसका डिफरेंस जो लगता है बहुत ही फर्क होता है। तो आप डिटेल में कैप्चर करने के लिए ऑलवेज कॉम्पोजिशन इज रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इसमें ग्रिड लाइंस होता है, उसको जरूर यूज कीजिए। जस्ट सेटिंग्स पर जाएंगे तो फ्रेमिंग लाइन से टैप करेंगे तो ग्रिड लाइन मिलेगा आपको। इससे आपको पता चलेगा कि एंगल कैसा है, वर्टिकली हो या फिर हॉरिजॉन्टली, जैसे आप टिल्ट करके रखे है वो यूज होता है। कोई भी सेटिंग को चेंज किए बिना अभी जस्ट एक बार कैप्चर करके देखते हैं कि क्या ऐसा इमेज आता है। तो ये वाला इमेज देखिए, इसमें कुछ डिटेल है, कुछ सॉफ्ट है, तो बिल्कुल ही एक क्यूरेटेड इमेज जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसे ही रैंडमली अगर आप किसी को भी मोबाइल देंगे, इसका फोटो लेने के लिए कहेंगे, तो बिल्कुल ऐसे पकड़ के वो कैप्चर कर देंगे। तो ये वाला हमें नहीं चाहिए। तो अभी हम कैसे प्रोफेशनल कैप्चर कर रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये वाला एंगल लेता हूँ, तो देखिए बिल्कुल शार्प और बिल्कुल ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो इससे अभी हम कैप्चर करके देखते हैं। ये ऑटो फोकस मोड पर रखा हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में मीटरिंग हुआ है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में कैप्चर हुआ है। तो ऐसे इमेजेस हमको चाहिए। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी हम सेटिंग्स चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बहुत ही अच्छा पिक्चर वो भी क्लोजअप वाला ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेप्थ इफेक्ट है, पोर्ट्रेट के बैकग्राउंड का इफेक्ट जो भी कहिए, जस्ट एक बार टैप कीजिए तो क्या होता है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेड अपर्चर कंट्रोल आता है। देखिए बिल्कुल टोटली ब्लर हो चुका है, एज इफ बैकग्राउंड में आप प्रेजेंटेशन रखे हैं और सामने ऐसे पिक करने के लिए यहाँ पर ये फूड है तो वैसे लगता है। तो इसलिए अभी हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे एंगल और यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो अभी हमने इसको सीधा रखा, तो अभी देखिए क्लोजअप में कैसे डिटेल पिक्चर दिखाई देता है और क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि क्या फूड है यहाँ पर। तो जस्ट आप एक बार इसके ऊपर टैप टू फोकस है, कम नंबर जितना होता है, फॉर एग्जांपल F1.4 F2,
तो ज्यादा ब्लर होता है बैकग्राउंड। अगर आप F4, F5, F6 पर जाएंगे तो फुल शार्पनेस मिलता है। तो अभी के लिए हम F4 पर रखेंगे। तो टैप टू फोकस है तो फोकस करेंगे। करने के बाद बिल्कुल स्टेडी हैंड रख के आप एक बार ऐसे कैप्चर करेंगे तो देखते हैं कि कैसे पिक्चर आया है। वीवो V9 में एक बहुत ही अच्छा ये है कि पोर्ट्रेट बोके बाद में भी आप जितना शार्पनेस चाहते हैं, जहां पर फोकस चाहते हैं, वो बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे टैप करके आप जहां पर फोकस चाहिए वहां पर टैप करेंगे तो वो बिल्कुल फोकस होके आपको पिक्चर देगा। तो ऐसे आप सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद डन है, एक बार टैप करना है। तो अभी देखिए कितना डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से फुट कैप्चर हुआ है। तो ऐसे हमको कैप्चर करना है। अभी यहाँ पर जो मिर्ची मैंने रखा है तो अभी उसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो अभी देखिए फुल इमेज है विदाउट एनी क्रॉप, तो डायरेक्ट है। तो जस्ट एक बार टैप करके जहाँ फोकस चाहिए वहां टैप करके आप कैप्चर करेंगे। तो अभी देखिए कि कैसे पिक्चर आया है। तो अभी क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा ये। तो यहाँ पर देखिए एडिट करके हैं, तो इस पर एक बार टैप करेंगे तो इनबिल्ट फोटो एडिटर बहुत ही अच्छा है वीवो V9 में। तो इसको कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए फिल्टर है, बॉर्डर, मोसाइक, टेक्स्ट, डूडल, ब्लर भी है एंड एडजस्ट। पहले हम एडजस्ट करेंगे इसको, थोड़ा सैचुरेशन को ज्यादा बढ़ाएंगे। देखिए अभी कलर कितना ब्यूटीफुल कलर हुआ है। सैचुरेशन को ज्यादा करेंगे, कलर टेम्परेचर थोड़ा वार्मर साइड लेंगे, थोड़ा लिटिल, एंड ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा करेंगे। ज्यादा नहीं करना है आपको, बस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके देखना है। कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम किया मैंने एंड एक्सपोजर को जस्ट थोड़ा कम किया हूँ। तो इसके बाद सेव सेव पर टैप करना है। एंड फिर से अगर मैं एडिट पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर फिल्टर्स है, तो आप फिल्टर से भी यहाँ पर अगला अलग अलग फिल्टर्स यूज करके भी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। स्टाइल है, ये सारा चीज है, लेकिन इतना भी यूज नहीं होता है जब आप प्रोफेशनली पिक्चर लेना चाहते हो। तो अभी के लिए हम इसको बैक लेंगे, फिर से एडिट जाएंगे यहाँ पर। तो आप ब्लर को यूज करके यहाँ पर सर्कुलर ब्लर या फिर एलिप्स ब्लर या फिर लाइन ब्लर भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस है। शार्पनेस को भी थोड़ा हम इंक्रीज करेंगे। अभी हम सेव पर टैप करना है। तो अभी फाइनल इमेज देखिए कैसे फाइनल इमेज आता है। तो ये रहा फाइनल इमेज फ्रॉम द वीवो V9, अभी हमने जो कैप्चर किया है। देखिए कितना शार्प है, कितना डिटेल्ड इमेज है। तो ऐसे आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप और भी इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन है, तो छोटा सा लाइटिंग ये बिल्कुल नहीं आना है। तो ऐसे आप गौर करके चेंज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए मैं एंगल को चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखिए एंगल, ये एंगल में कैसे दिखाई देता है। थोड़ा इसको टेक्सचर, क्योंकि इसका टेक्सचर जो है बहुत ही ज्यादा है, तो इसको हम फ्रेम में लेंगे बिल्कुल। तो ऐसे आप जहां पर फोकस चाहते हो वहां पर फोकस लेके टैप कर सकते हैं और बढ़िया इमेज देखिए यहाँ पर फुट का। तो ऐसे आप फुट फोटोग्राफी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट मोड जो है, प्रोफेशनल मोड, उस पर जाएंगे। प्रोफेशनल मोड में क्या यूज करना है, अल्ट्रा एचडी यूज कर सकते हैं ताकि बहुत ही डिटेल्ड रेजोल्यूशन वाला इमेजेस आपको मिलेगा। एग्जाम्पल अभी मैं आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि बिल्कुल शेक नहीं करना है आपको। थोड़ा इसका एंगल चेंज करता हूँ मैं। हाँ ये वाला देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये वाला इस एंगल में अभी मैं अल्ट्रा एचडी मोड पर हूँ। तो 63 मेगापिक्सल्स का ऑसम डिटेल वाला इमेज देखिए, 63 मेगापिक्सल का कितना डिटेल है, कितना टेक्सचर्स यहाँ पर आपको मिलता है फूड के लिए। बहुत ही यूज होगा ये मोड। तो अल्ट्रा एचडी को ऑन कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रो लेवल मीटर है, देखिए कैसे आपको पता देगा कि हॉरिजॉन्टल बिल्कुल नहीं, ठीक से पकड़ना है कैमरा को। तो आप येलो अगर लाइन आता है तो परफेक्टली स्ट्रेट है हॉरिजॉन्टल पर। वैसे सब गौर करके आपको कैप्चर करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैनुअल फोकस, ये ऑटो फोकस जो है ना, इसको हम चेंज करके ये फ्लावर वाला छोटा इमेज जो है उस पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं चेंज करते जाता हूँ वो फोकसिंग डिस्टेंस चेंज होगा। तो बिल्कुल मैनुअल फोकस से ये वाला पिक्चर अभी हम कैप्चर करेंगे, बिल्कुल शेक नहीं करना है। तो जस्ट लुक एट द इमेज, कितना ऑसम, कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। तो ऐसे आप फूड फोटोग्राफी कर सकते हैं यूजिंग वीवो V9। यहाँ पर एक्सपोजर वैल्यू है,
अगर आपको थोड़ा लाइटिंग ज्यादा चाहिए कॉम्पेंसेट करने के लिए, देखिए एक्सपोजर ईवी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, 0.3 स्टॉप फिर से फोकस करना है आपको एंड बूम प्लस 0.3 स्टॉप। बहुत बढ़िया इन्होंने सेटिंग्स दिया है वीवो V9 में ऐसे पिक्चर्स लेने के लिए। तो ऐसे आप अलग अलग सेटिंग्स को चेंज करके ट्रायल एंड एरर देखकर आप कैप्चर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर है तो आप अगर कुछ नया सीखे है तो जरूर सब्सक्राइब करके बने रहिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में और कैसे वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे इस चैनल पर। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।